Daily Canadian News Bulletin in Hindi and Urdu, only at TAC TV. कनाडा में कोरोना वायरस के फैलाव का सिलसिला जारी। मुतासर होने वाले अफराद की तादाद 251,338 हो गई। क्यूबेक सूबा कोरोना वायरस से सबसे ज्यादा मुतासर हुआ है। कनाडा के वोटर्स को अमरीकी तर्ज के ड्रामा से महफूज रखता है। इलेक्शन कनाडा का कहना है कि हम अपने हर काम में गैर जानिबदार हैं। हम वोटिंग में सियासत के निजाम से दूर हैं, जैसा कि अमरीका में देखा गया है। कोरोना वायरस के सबब 8 माह के तातुल के बाद ऑन्टेरियो का बजट पेश कर दिया गया। बजट में कोरोना वायरस से मुतालिक अखराजात में $45 अरब शामिल हैं। हालांकि इसमें से तकरीबन 2/3 पहले ही खर्च हो चुके हैं। टोरंटो में कोरोना वायरस के सबब लगाई जाने वाली पाबंदियों में नरमी के लिए तैयारी। शहर के पब्लिक हेल्थ यूनिट ने अपने वबाई अमराज से मुतालिक इंतजामिया और कॉन्टेक्ट ट्रेसिंग टीम में तकरीबन 700 अफराद तक इजाफा किया है, जो कनाडा में सबसे बड़ा इजाफा है। बाइडेन की फतह के लिए पेशकदमी जारी। ट्रंप की धांधली की दरख्वास्त मुस्तरद। फिलहाल 538 इलेक्टोरल वोट्स में से 264 इलेक्टोरल वोट्स हासिल करने के बाद डेमोक्रेटिक पार्टी के उम्मीदवार जो बाइडेन फैसला कुन फतह के करीब पहुंच चुके हैं। दुनिया भर में कोरोना वायरस से मुतासर अफराद की तादाद 4,91,31,800 तक जा पहुंची है, जबकि इस मौजी वायरस से हलाकतें 12,41,243 हो गईं, जबकि 3,50,44,801 कोरोना मरीज सेहतियाब हो चुके हैं। हेडलाइंस आपने जानी और अब खबरें तफसील के साथ। Greenish hand sanitizer, Ala Green quality, 75% food grade alcohol, non-sticky or non-oily formula. Aaj hi apni kareebi pharmacy se khareedein ya hamari website par order karein www.greenish.com. Canada mein aapke paas doctor aur lawyer hona bahut zaruri hai. Hum aapko batane ja rahe hain ek aisa naam jo hai reliable, trustworthy and honest. Law firm of Shikha Sharda, 905-956-6699 for family law, real estate, wills और किसी भी तरह के affidavit या पैरा लीगल problems के लिए law firm of Shikha Sharda, 905-956-6699 पहली consultation बिल्कुल free है। Call lawyer Shikha Sharda, 905-956-6699। कनाडा भर में कोरोना वायरस से हलाकतों की तादाद 10,381 हो गई है। क्यूबेक सूबा कोरोना वायरस से सबसे ज्यादा मुतासर है। सूबे भर में कोरोना वायरस के 138 नए केसेस सामने आने के बाद मजमू केसेस की तादाद 1,11,056 हो गई है। इस हवाले से मजीद जानते हैं। कनाडा में कोरोना वायरस के फैलाव का सिलसिला जारी है, जिसमें मुसलसल इजाफा देखने में आ रहा है। आखिरी इत्तला के मुताबिक कनाडा में कोरोना वायरस से मुतासर होने वाले अफराद की तादाद 251,338 हो गई। कनाडा भर में कोरोना वायरस से हलाकतों की तादाद 10,381 हो गई है। क्यूबेक सूबा कोरोना वायरस से सबसे ज्यादा मुतासर हुआ है। सूबे भर में कोरोना वायरस के 1,338 नए केसेस सामने आने के बाद मजमू केसेस की तादाद 1,11,056 हो गई है, जबकि सूबे में कोरोना वायरस के 22 होने वाली हलाकतों की तादाद 6,378 तक पहुंच चुकी है। ऑन्टेरियो में कोरोना वायरस से मुतासर होने वालों की तादाद 80,690 तक जा पहुंची है, जबकि हलाकतों की तादाद 3,195 है। अल्बर्टा में 30,447 अफराद कोरोना वायरस से मुतासर हुए हैं, जबकि 343 अफराद हलाक हो चुके हैं। ब्रिटिश कोलंबिया में 16,560 अफराद में कोरोना वायरस की तस्दीक हुई है, जबकि सूबे में कोरोना वायरस से होने वाली हलाकतों की तादाद 273 है। अमरीकी शहरी इंतखाबी अमल की कानूनी हैसियत पर सवाल उठाते हैं, जिसकी वजह से अमरीकी सदर की दौर में ड्रामा, ताखीर और तवील गैर यकीनी सूरत हाल पैदा हुई है। कनाडा की इंतखाबी एजेंसी का कहना है कि मुल्क का आज़ाद मॉडल इस बात को यकीनी बनाता है कि वोटिंग का निज़ाम सियासी मुदाखलत से पाक हो। मज़ीद जानते हैं इस रिपोर्ट में।
इलेक्शन कनाडा का कहना है कि उनका निज़ाम कनाडा के वोटर्स को अमरीकी तर्ज के ड्रामे से महफूज रखता है। अमरीकी इंतखाबात रियासती सतह पर चलाए जाते हैं जिसमें वोटरों के इंदराज और वोटिंग के उसूलों में वसी पैमाने पर इख्तलाफात हैं। चूँकि चंद अमरीकी शहरी इंतखाबी अमल की कानूनी हैसियत पर सवाल उठाते हैं जिसकी वजह से अमरीकी सदर की दौड़ में ड्रामा ताखीर और तवील गैर यकीनी सूरत हाल पैदा हुई है। कनाडा की इंतखाबी एजेंसी का कहना है कि मुल्क का आज़ाद मॉडल इस बात को यकीनी बनाता है कि वोटिंग का निज़ाम सियासी मदाखलत से पाक हो। अमरीका में इंतखाबात को दो रोज गुजर जाने के बावजूद भी वाज़ेह नताइज सामने न आ सके, रिपब्लिकन उम्मीदवार डोनाल्ड ट्रंप और डेमोक्रेटिक चैलेंजर जो बाइडन अभी भी बैटल ग्राउंड रियासतों के नताइज के मुंतजर हैं। इलेक्शन कनाडा की तर्जुमान नताशा गोशियर का कहना है कि कनाडा में वफाकी इंतखाबात की निगरानी के लिए एक मरकजी इदारा है जो वोटिंग के हुकूक के तहफ्फुज के साथ साथ कुछ मुतनाज़े बहसों से बचने में मदद करता है। उनका कहना था, हमारे पास एक ऐसी एजेंसी जो मुंतखब हुकूमत से आज़ाद है और एक चीफ इलेक्शन अफसर के साथ जिसे पार्लियामेंट ने मजमुई तौर पर मुकर्रर किया है। हम अपने हर काम में गैर जानिबदार हैं। हम वोटिंग में सियासत के निज़ाम से दूर हैं जैसा कि अमरीका में देखा गया है। अमरीका में इसके बरक्स इंतखाबात का इनेकार रियासती सतह पर किया जाता है। हर रियासती मुकन्नना मुख्तलिफ कवानीन और कवायद तय करती है जिसमें पोलिंग के मकामात की तादाद और मकामात वोटरों के इंदराज के अमल का पता चलता है जिससे मुल्की सतह पर इंतखाबात में पेचीदगियाँ पैदा होती हैं। ऑन्टेरियो की हुकूमत ने जुमरात को अपना सालाना बजट पेश किया। इस मंसूबे में रिकॉर्ड खसारा भी शामिल है क्योंकि ये हुकूमत कोरोना वायरस की सूरत हाल का मुकाबला करते हुए मुआशी बहाली की बुनियाद रखना चाहती है। मजीद जानते हैं इस रिपोर्ट में। ऑन्टेरियो का कोविड 19 बजट रिकॉर्ड अखराजात खसारे कारोबारों में वक्फे के साथ पेश कर दिया गया। सूबे के सालाना बजट कोरोना वायरस के सबब 8 महीनों की ताखीर के बाद पेश किया गया। ऑन्टेरियो की हुकूमत ने जुमेरात को अपना सालाना बजट पेश किया। इस मंसूबे में रिकॉर्ड खसारा भी शामिल है क्योंकि ये हुकूमत कोरोना वायरस की सूरत हाल का मुकाबला करते हुए मुआशी बहाली की बुनियाद रखना चाहती है। नए बजट में अखराजात 187 बिलियन जबकि खसारा 38.5 बिलियन डॉलर जाहिर किया गया है। माहिरीन के मुताबिक ये एक गैर मुतवाजन बजट है। सूबे के वजीर खजाना रॉड फ्लिप्स का कहना था कि हम गैर यकीनी की सूरत हाल में लोगों को उम्मीद दिलाना चाहते हैं। जैसे गैर यकीनी की कैफियत आलमी मईशत में है वैसी ही यहाँ भी है। हमारे अंदाजों को आम से कहीं ज्यादा खतरा लाहक है। मंसूबे में अगले 3 सालों में कोरोना वायरस से मुतालिका अखराजात में 45 अरब डॉलर शामिल हैं, हालांकि इसमें से तकरीबन 2/3 पहले ही खर्च हो चुके हैं। टोरंटो में शहरी हुकूमत की जानिब से कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग प्रोग्राम को दोबारा शुरू किया जा रहा है। शहर की चीफ मेडिकल ऑफिसर का कहना है कि हमारा मकसद सिर्फ इसे बेहतर तरीके से अंजाम देने के लिए नहीं बल्कि दुनिया के बेहतरीन लोगों में शामिल होना है। मज़ीद तफसीलात इस रिपोर्ट में। टोरंटो में शहरी हुकूमत की जानिब से कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग प्रोग्राम को दोबारा शुरू किया जा रहा है जबकि कोरोना वायरस से निमटने के लिए इकदामात को बढ़ाया जा रहा है ताकि 14 नवंबर तक शहर को कोरोना वायरस के सबब लगाई जाने वाली पाबंदियों में नरमी के लिए तैयार किया जा सके। टोरंटो के चीफ मेडिकल ऑफ हेल्थ डॉक्टर एलन डी विला का कहना है कि शहर की पब्लिक हेल्थ यूनिट ने अपने वबाई अमराज से मुतालिक इंतजामिया और राबता ट्रेसिंग टीम में तकरीबन 700 अफराद तक इजाफा किया है जो कनाडा में सबसे बड़ा इजाफा है। उन्होंने बताया कि इस ग्रुप में मजीद 200 अफराद को शामिल किया जाएगा और इस कोशिश में 3 मकामी अस्पताल भी हिस्सा डालेंगे। डेविला ने कहा, हमारा मकसद सिर्फ इसे बेहतर तरीके से अंजाम देने के लिए नहीं बल्कि दुनिया के बेहतरीन लोगों में शामिल होना है। टोरंटो ऑन्टेरियो के 4 हॉट स्पॉट्स में से एक है। इसके अलावा ऑटावा, पील रीजन और यार रीजन भी शामिल हैं। फिलहाल सख्त पाबंदियों की जद में है जिसने जिम, सिनेमा घरों और इंडोर रेस्टोरेंट का खाना बंद कर दिया है। हफ्ते के रोज पील रीजन और ऑटावा में ये पाबंदियां खत्म होने जा रही हैं। लेकिन मेयर जॉन टोरी ने सूबाई हुकूमत से कहा है कि वो टोरंटो में पाबंदियों को एक और हफ्ते के लिए रखें क्योंकि इससे शहर में केसेस की कमी में काफी मदद मिलती है। अमरीकी सदारती इंतखाबात में डेमोक्रेटिक पार्टी के सदारती उम्मीदवार जो बाइडन अपनी फतह से सिर्फ 6 इलेक्टोरल वोट की दूरी पर हैं और अब तमाम निगाहें 4 रियासतों के नतीज पर जमी हैं जबकि सदर ट्रंप ने एक बार फिर अपनी ट्वीट्स में इंतखाबी अमल पर संगीन एतराज़ात किए हैं। इस हवाले से मज़ीद जानते हैं।
अमरीकी सदारती इंतहा में डेमोक्रेटिक पार्टी के सदारती उम्मीदवार जो बाइडन अपनी फतह से सिर्फ 6 इलेक्टोरल वोट की दूरी पर हैं और अब तमाम निगाहें 4 रियासतों के नताइज पर जमी हैं, जबकि सदर ट्रंप ने एक बार फिर अपनी ट्वीट्स में इंतखाबी अमल पर संगीन एतराजात किए हैं। इस वक्त पेंसिल्वेनिया, जॉर्जिया, नेवाडा और शुमाली कैरोलिना में वोटों की गिनती जारी है और बाइडन को नेवाडा ही 6 इलेक्टोरल वोट मिल जाते हैं तो वो कामयाबी के लिए मतलूबा अक्सरियत हासिल कर लेंगे। इंतखाबात में डाले गए तकरीबन 14 करोड़ वोटों की गिनती मुकम्मल हो चुकी है, जो खुद अमरीकी तारीख में सदारती इंतखाब के दौरान डाले गए वोटों की सबसे ज्यादा तादाद भी है। वाज़ह रहे कि अमरीका में वोटरों की मजमूई तादाद 24 करोड़ के लगभग है। 2016 के सदारती इंतखाब में जिसके नतीजे में डोनाल्ड ट्रंप अमरीकी सदर बने थे, 59.2% अमरीकी वोटरों ने अपना हक के रायदही इस्तेमाल किया था। अब तक की गिनती के मुताबिक ये शरह 60% के करीब पहुँच रही है और बाद सियासी मुबसरीन ने यहाँ तक पेशगोई कर दी है की ये शरह 65% या इससे भी ज्यादा हो सकती है। फिलहाल 538 इलेक्टोरल वोट्स में से 264 इलेक्टोरल वोट्स हासिल करने के बाद डेमोक्रेटिक पार्टी के उम्मीदवार जो बाइडन फैसला कुन फतह के करीब पहुंच चुके हैं। अमेरिका में सदारती उम्मीदवार की हतमी फतह के लिए जरूरी होता है कि वो 270 या ज्यादा इलेक्टोरल वोट्स हासिल करे। दूसरी जाने मौजूदा अमरीकी सदर और रिपब्लिकन उम्मीदवार डोनाल्ड ट्रंप 214 इलेक्टोरल वोट्स हासिल कर सके हैं। अब उनकी जीत का मुकम्मल दारोमदार स्विंग स्टेट्स पर है। अलबत्ता अमरीकी सियासी मुबस्सरीन का कहना है कि अगर ट्रंप को स्विंग स्टेट से भी तमाम इलेक्टोरल वोट्स मिल जाएं, तब भी वो मजमूई तौर पर 268 इलेक्टोरल वोट ही हासिल कर पाएंगे। बरतानिया में कोरोना मुतासरीन की तादाद 11 लाख हो गई, जबकि मुल्क में दूसरे लॉकडाउन का निफास कर दिया गया, जिसके मुताबिक लोगों को घरों में रहना होगा। रेस्टोरेंट्स, कैफे और गैर जरूरी अशिया की दुकानें बंद रहेंगी। मजीद जानते हैं इस रिपोर्ट में। दुनिया का कोई खिता कोरोना वायरस की मूजी वबा से महफूज नहीं, इसके मरीजों और अमवात में मुसलसल इजाफा जारी है। दुनिया भर में कोरोना वायरस से मुतासर अफराद की तादाद 4,91,31,800 तक जा पहुंची है, जबकि इस मूजी वायरस से हलाकतें 12,41,243 हो गईं, जबकि 3,50,44,801 कोरोना मरीज सेहतियाब हो चुके हैं। कोरोना वायरस के केसेस के एतबार से 10 सर फहरिस्त ममालिक में 33 करोड़ से जायद आबादी का हामिल अमरीका पहले नंबर पर है, जहां इस वायरस से अब तक 2,41,026 अफराद मौत के मुंह में पहुंच चुके हैं, जबकि इससे बीमार होने वालों की मजमूई तादाद 99,26,640 हो चुकी है। 1 अरब से जायद आबादी वाला मुल्क भारत कोरोना वायरस के मरीजों की तादाद में तेजी से इजाफे के साथ इस फहरिस्त में दूसरे नंबर पर है, जहाँ कोरोना से 1,25,029 हलाकतें हो चुकी हैं, जबकि इससे मुतासर मरीजों की तादाद 84,11,724 हो गयी। कोरोना मरीजों की तादाद के हवाले से मुमालिक की फहरिस्त में ब्राजील तीसरे नंबर पर है, जहां ये वायरस 1,61,779 जिंदगियां निकल चुका है, जबकि कोरोना मरीजों की तादाद 56,14,258 तक जा पहुंची है। सऊदी अरब इसी फहरिस्त में 27वें नंबर पर पहुंच चुका है, जहां कोरोना वायरस से अब तक कुल अमवात 5,489 रिपोर्ट हुई हैं, जबकि मुमलिकत में इसके मरीजों की तादाद 3,49,386 तक जा पहुंची है। बरतानिया में कोरोना मुतासरीन की तादाद 11 लाख हो गई, जबकि मुल्क में दूसरे लॉकडाउन का निफास कर दिया गया, जिसके मुताबिक लोगों को घरों में रहना होगा। रेस्टोरेंट्स, कैफे और गैर जरूरी अशिया की दुकानें बंद रहेंगी। टैक टीवी के पाकिस्तान स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही। मजीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहिए टैक टीवी। Daily Canadian News Bulletin in Hindi and Urdu only at TAG TV. TAG TV updates you about Corona situation in Canada and around the globe.